अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने में यूक्रेन तो सबसे टॉप के ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यूक्रेन को टक्कर देने का काम कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के देश। यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों ने एक बार फिर से यूक्रेन के लिए कई बिलियन डॉलर्स की डिफेंस एड की घोषणा कर दी है। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब ये देश भारत को टारगेट करने लगे हैं। रशिया को टारगेट करने के चक्कर में ये भारत को टारगेट करेंगे और भारत को टारगेट करने से इनकी अपनी खुद की ऑयल कंपनीज को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। पिछले काफी समय से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भारत की क्रूड ऑयल रिफाइनरीज रशिया से सस्ते प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रही थी और फिर उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल्स, गैसोलीन और बाकी रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाकर यूरोपियन यूनियन के देशों को एक्सपोर्ट भी कर रही थी। अब ऐसा नहीं है कि भारत की रिफाइनरीज चोरी छुपे ऐसा कर रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और भारत की रिफाइनरीज जो फ्यूल और रिफाइन प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन के देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो भी डिस्काउंट के ऊपर ही एक्सपोर्ट हो रहा था। तभी तो यूरोपियन यूनियन के देशों की ऑयल कंपनीज मिडल ईस्ट को बाईपास करके इतनी दूर भारत से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। मिडल ईस्ट या अमेरिका के कंपैरिजन में भारत का डिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट। लेकिन फिर भी भारत से फ्यूल इंपोर्ट करना यूरोपियन यूनियन के देशों की ऑयल कंपनीज को सस्ता पड़ रहा था, यानी इसमें भारत का भी फायदा था और जो यूरोपियन देश भारत से रिफाइंड फ्यूल परचेस कर रहे थे उनका भी। अब हुआ ये कि यूरोपियन यूनियन के देशों में भारत से फ्यूल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर मीडिया में कई सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, जिनमें इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अभी भी रशिया का फ्यूल यूरोपियन देशों में पहुंच रहा है। अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देशों को लगता है कि अगर रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस और भी सख्त होंगे, रशिया की इकोनॉमी को और भी नुकसान होगा, तो व्लादिमीर पुतिन अपने आप ही यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के देशों ने डिसाइड किया है कि वो भारत से आने वाले फ्यूल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी के हाई रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ बोरेल ने रिकमेंड किया है कि यूरोपियन यूनियन भारत से आने वाले डीजल, गैसोलीन और क्रूड ऑयल के बाकी बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर रोक लगाए। जोसेफ बोरेल का कहना है कि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेस करे उनको कोई दिक्कत नहीं है। भारत क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर रशियन क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे रशिया का रिवेन्यू कम होगा। लेकिन भारत रशियन ऑयल से बने बाय प्रोडक्ट्स डीजल और गैसोलीन जो यूरोपियन यूनियन के देशों को बेच रहा है, ये भारत की गलत पॉलिसी है, यानी भारत को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना यूरोपियन यूनियन द्वारा रशियन एनर्जी के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों का डायरेक्ट उल्लंघन करना हुआ। अगर भारत रशियन ऑयल को रिफाइन करने का सेंटर बनता है, रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन देशों को बेचने का केंद्र बनता है, तो यूरोपियन यूनियन को भारत के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जोसेफ बोरेल ने यह भी मांग की है कि भारत यूरोपियन यूनियन के देशों को रशियन क्रूड ऑयल से बने फ्यूल, डीजल और गैसोलीन इसलिए बेच पा रहा है क्योंकि उन्हीं के देश इंडिया से परचेज कर रहे हैं और जो देश इंडिया से रशियन फ्यूल खरीद रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी पहचान की जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अभी तक यूरोपियन यूनियन ने इस रिकमेंडेशन को पास नहीं किया है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन जोसेफ बोरेल की रिकमेंडेशन मान लेता है तो भारत की रिफाइनरीज को तो नुकसान होगा ही, लेकिन यूरोपियन यूनियन के देशों की ऑयल कंपनीज को भी बड़ा लॉस होगा क्योंकि वो भी भारत से डीजल और गैसोलीन इसलिए परचेज कर रही हैं क्योंकि उनके भी कई मिलियन डॉलर्स बच रहे हैं। अब देखना ही होगा कि क्या रशिया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में यूरोपियन यूनियन भारत के साथ साथ अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा या फिर नहीं।